हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा टेली सर्विस लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 2 रुपये 90 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 4.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पे चले तो जहां पर इस स्टॉक में पीछे के एक हफ्ते में 4.5% से भी ऊपर की तेजी देखते हुए मिल रही है और ये स्टॉक पीछे के एक महीने में 20% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है और 3 महीने में इस स्टॉक में ऑलमोस्ट 40% की गिरावट देखने को मिली है। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहेगा जहां पर इस स्टॉक में 209 रुपये का एक हाई बॉटम लगने के बाद में ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में फ्रेश सपोर्ट लेवल देखें तो अराउंड 53 रुपये 30 पैसे 53 रुपये 30 पैसे इस स्टॉक में नीचे का एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। पीछे के 3 दिनों से देखें तो 3 ट्रेडिंग सेक्शन में इस स्टॉक में एक खरीदारी देखने को मिल रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 53 रुपये के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में आप 90 रुपये और 110 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो अराउंड 69 रुपये के एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 65 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करें क्योंकि ऊपरी लेवल पर देखें तो एक स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहेगा। इसलिए अगर आपको कम से कम लॉस होता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।